आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है G20 व्लॉग आई सॉ मोदी जी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलग व्लॉग चैनल को इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे गाइस, दिस इज जय कपूर हियर एंड वेलकम टू द G20 व्लॉग। कल रात को मैं YouTube पे सर्च कर रहा था किसी ने G20 का व्लॉग बनाया नहीं बनाया, आपको दिखाया नहीं दिखाया कि कैसा दिखता है भारत मंडपम, और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है किसी ने, पता चला किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही बना लेता हूँ। भाई साहब गूज़बम्स। तो अभी बज रहे 12 और हम निकल चुके हैं प्रगति मैदान के लिए, बट हम डायरेक्टली प्रगति मैदान नहीं जा सकते, मीडिया भी डायरेक्टली नहीं जा सकती। जेएलएन स्टेडियम जाना पड़ता है, गेट नंबर 2, फिर वहाँ से शटल चलती है हर आधे घंटे में, तो आपको प्रगति मैदान पहुँचा देगी। कल रात को मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करी थी, काफी क्वेश्चन आए थे कि भाई आपको कैसे एक्सेस मिला, आपको कैसे ये पास मिला जिससे एंट्री मिल रही है। द आंसर इज, ये गवर्नमेंट से मुझे इन्वाइट आया। देयर इज नो वे यू कैन अप्लाई एंड गेट द इन्वाइट। गवर्नमेंट ये आपको देखती है, अगर उनको अच्छा लगा आपका काम तो वो देती है। आई वॉज जस्ट लकी, या मेरा काम बहुत ही अच्छा था, क्लीन था, मैं किसी कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता, तो शायद से उन्होंने एलिजिबल समझा मुझे। रोड्स बहुत ही खाली हैं और दिल्ली बहुत ही ग्रीन है और बैरिकेडिंग हर जगह है, मतलब दे कैन ब्लॉक एनी रोड फॉर VIP मूवमेंट। और इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि जिनके पास पास है वो पास दिखा के ऐसे रोड अनब्लॉक करवा सकते हैं, कोई अनब्लॉक नहीं करवा सकता। तो जो भी रूट ऑल्टरनेट रूट है वो सबके लिए है, चाहे वो VIP हो, मीडिया हो या आम जनता हो। जैसे इसका बैरिकेड बंद है, कोई नहीं निकाल सकता, ऐसे जितने भी लोग खड़े हैं नेगोशिएट कर रहे हैं कि जाने दो जाने दो। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, G20 में मीडिया ने बहुत ही गंदा काम किया है, बिकॉज उन लोगों ने लोगों को इतना डरा दिया था। मेरी बहन कह रही थी कि स्विगी से ऑर्डर नहीं होगा, हम जिस एरिया ऑफ दिल्ली में रहते हैं वहाँ कुछ चलेगा नहीं, दुकानें नहीं खुलेंगी। सो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सेंट्रल दिल्ली, चाणक्यपुरी और जितना भी प्रगति मैदान वाला एरिया, वहाँ के ऑफिस और आसपास के बंद है ताकि ट्रैफिक ना हो। बाकी सब तो खुला ही है, मतलब आप अपने सैलों जा सकते हो, आप अपनी सब्जी वब्जी ले सकते हो, दूध राशन ले सकते हो। दिल्ली में जब भी कुछ ग्लोबल इवेंट हुआ है, डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हुई है, मतलब इफ आई गिव यू 1982 में एशियन गेम्स हुई थी तो हमारे यहाँ 7 होटल बने थे, कितने सारे फ्लाईओवर्स बने थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। अब 2023 में जब G20 हुआ है, आई कैन सी कि इतनी सारी रोड्स बन गई हैं जो मतलब सालों से नहीं बनी थी, किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, वो उस पर भी काम किया गया। तो ऐसे मेजर डेवलपमेंट हो जाते हैं रातों रात जब कोई इवेंट आना होता है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारा दिल्ली पुलिस का सिक्योरिटी सिक्योरिटी से क्लियर है। अब वेदांत हमें इधर किधर छोड़ देगा। नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द शटल। रूफ मित्र हमारे साथ है, वो अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गए। ये सजने सवरने का सिस्टम ही खत्म नहीं होता। तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो 8 से पहले आ जाओ या 12 से बाद जाओ, और हम आलसी 12 से 8 बजे से 12 बजे तक दोपहर के मीडिया कांट एंटर, बिकॉज VIP मूवमेंट्स हो रही होती हैं, सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वही वेन्यू पे पहुंच रहे होते हैं, तो उस टाइम यू डोंट नीड एनी इंटरफेरेंस। हम एंटर कर चुके हैं भारत मंडपम पे। वहाँ सिक्योरिटी चेक था, अगर आपके पास रेडियो एक्टिव गाड़ी की चाबी हो या सैनिटाइजर तक हो, वो भी वहाँ ड्रॉप ऑफ करना पड़ता है। भारत मंडपम में एंट्री करते हुए जो फीलिंग आती है, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम एक डेवलपिंग नेशन में हो, ऐसा लगता है तुम 20 साल आगे आ चुके हो, एक डेवलप्ड नेशन में हो, एंड ऐसा लगना भी चाहिए। बिकॉज भारत मंडपम 123 एकर्स की जमीन पे बना है और बहुत ही सुंदर बना है। ये मेरे पीछे जो देख सकते हो, इट्स द लार्जेस्ट इंडिया का माइस, एंड सिडनी ओपेरा हाउस से ज्यादा की सीटिंग है इसमें, मतलब 7000 लोग सिडनी ओपेरा हाउस में होस्ट कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा भारत मंडपम में कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस और द दिल्ली वाले आउट देयर कि हमारे सेंट्रल दिल्ली में ऐसा कुछ है। मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो था दुबई एक्सपो का, सो उससे जब कंपेयर करूँ तो ऐसा लगता है कि हम एक्सपो भी होस्ट कर सकते हैं, मतलब दिस इज ऑन दैट लेवल। अभी हम पहुँच चुके हैं इंटरनेशनल, मुझे वैसे ना जिस स्पेस है ना देख के ऐसे लग रहा था इवेंट स्पॉट के लोग अलग अलग कंट्रीज के मीडिया रेप्स यहाँ पे आए हैं, यहाँ से काम कर रहे हैं। बेसिकली इस जगह का मकसद यही था कि यहाँ से लोग ब्रॉडकास्ट कर सकें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है। यू हैव योर बेवरेजेस, स्नैक्स, इंटरनेट, ग्रीन स्क्रीन, किसी का भी लैपटॉप खुला था उसने स्पीड टेस्ट करा तो स्पीड इज 1 Gbps। 1 Gbps का इंटरनेट सबको प्रोवाइड किया गया। आई एम वेरी प्राउड कि उस मीडिया का हिस्सा मैं भी हूँ, डिजिटल मीडिया राइट। मुझे अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट पता चला है, मेरे कुछ साइबर सिक्योरिटी के दोस्त मिल गए थे जो इस पूरे मीडिया रूम का फायरवॉल हैंडल कर रहे हैं। सो दे टोल्ड मी सम इंटरेस्टिंग स्टफ कि 1300 लैंड पोर्ट है, हर पोर्ट में 1 Gbps बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाए एंड बैक एंड में सबको हैंडल करने के लिए इनके पास 200 Gbps के बैंडविड्थ। ये व्यू ना रात को बहुत सही लगता है। ये एम्फी थिएटर है एंड ये किसी का कॉन्वॉय है और वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर सारी मीटिंग्स होती हैं। मीडिया उधर भी शूट कर रही है बिकॉज इट्स द क्लोजेस्ट दे कैन गेट, वहाँ कोई मीडिया अलाउड नहीं है। I'm so tight right now. I just completed a shoot with DD. Yes, दूरदर्शन के साथ मैंने अभी शूट एक कंप्लीट किया जो लाइव जाएगा एंड आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। बहुत ही एक्साइटिंग था। अब उसी का एक शॉर्ट वर्जन करना मुझे अपनी रील्स के लिए, बट आई एम जस्ट टू टाइट टू शूट दैट। मैं अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पी के ट्राई करूँगा कि वो शूट ख़त्म हो फिर हम घर जा सकें। प्रधानमंत्री यहाँ पर सबका अभिनंदन। ये वही लोकेशन है जो ये है। तो गाइस अभी तक पीएम सर आए नहीं है, सब वेट कर रहे हैं, उधर खड़े हुए हैं। इट्स बीन 2 hours, 1 घंटा जब से न्यूज़ फैली है कि पीएम आ रहे वाले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई साहब गूज़बम्स। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं व्लॉग तो डेली नहीं बनाता बट इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स एंड रील्स जरूर बनाता हूँ, सो उसके लिए सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। भाई इस व्लॉग में तो हमें भारत मंडपम जो है अंदर से थोड़ा सा देखने को मिला, ज़्यादा देखने को नहीं मिला, शायद वो मीटिंग्स की वजह से जो है बंद था। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब टाइम आगे जाता जाएगा, लोगों के लिए उसे ओपन किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स हमें और भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल ऐसे व्लॉग्स देखना चाहूँगी क्योंकि आज का व्लॉग भी हम लोगों ने इसी वजह से देखा कि लाइक ये जैसे मौजूद ने बोला कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने में, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं फिर भी हमें देखने को मिली। लाइक जैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखने को मिला, फिर जिस तरीके से उसकी एक कैपेसिटी थी, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो आपको एक आइडिया तो हो जाता है क्योंकि आपको एक स्नीक पिक जब मिल जाती है तो आपको एक आइडिया रहता है कि भाई किस तरह का स्ट्रक्चर है, अंदर क्या सिस्टम हो रहा है। अच्छा ये चीज़ देखो नोट करने वाली है कि जहाँ पर कॉन्वॉय था वहाँ से मीडिया काफ़ी दूर था, वहाँ से तो ये चीज़ देखो कि वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। भाई देखिए वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहाँ पर उनकी सेफ्टी का हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखना जो है गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी जहाँ पे जिस तरह वो गए ना तो जो रास्ते में एक चीज़ कह रहे थे कि भाई रातों रात जो है आपको काम होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ है ना बड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे भी नोट किया कि कई ऐसी जगहें जहाँ से जो है ना अगर कॉन्वॉय गुजर ना हो ना किसी का, अगर कोई आ जाए तो भाई रातों रात जो है ना वहाँ पे सड़क जो है वो तैयार खड़ी होती है और घर वाले जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो भी परेशान होते हैं भाई रात को क्या हुआ कि एकदम पूरी सड़क बन गई। नहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वाकई में थोड़ा सा हैं हमारे यहाँ पर, और मेरा हाल में कि लोग ये बात भी सोचते हैं कि अगर ये काम इतनी जल्दी ऐसे हो सकता है तो उसके बगैर भी जो है वो काम हो सकते हैं। बट अगेन जो मतलब स्थिति है उसको आई डोंट नो, क्योंकि जो जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि लाइक कुछ चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आती हैं। तो आई थिंक ये जो रोड्स वगैरह बनाना होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा ना कि लाइक क्योंकि उस जगह को तो वो रूल करे। अभी जैसे G20 ये मेरे हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रोड्स वगैरह भी होती है ना उसमें भी शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है शायद अंदर के। आप हाँ गली मोहल्लों की सड़कों की अगर बात करें ना मोहल्लों की ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो जो है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर आती हैं, लेकिन अगर जो है मेरा ख्याल है मेन रोड्स की बात करें जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ओके, मौसम बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मौसम को भी ज़्यादा नहीं, मैं एक क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता ज़्यादा ना। हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक अपना जो है वो बता रहा हूँ कि हाँ कि इस तरह होता है, क्योंकि अगर गली मोहल्लों की बात करें तो वो अब जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो नहीं ना उस पर वो करेगी, लेकिन हाँ मेन रोड्स का जो होता है ना तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो मतलब गली मोहल्लों का भी करती है और मेन रोड्स का भी करती है। मेन रोड से ऐसे जैसे शहर के अंदर से अगर कोई वो नहीं गुजर रही, हाईवे कोई नहीं गुजर रहा तो उसे छोड़कर बाकी जो है वो मेंटेन करती है। ओके, चलो ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी जो अगर मैं करेक्ट हूँ तो नहीं है, वरना मुझे भी करेक्ट जो है वो कर दीजिएगा। करेक्ट हो क्योंकि सेंस तो बन रही है, बाकी आप लोग जरूर बताइएगा। खैर अभी अंदर चलते हैं और जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उन्होंने दिखाया कि जो एक लेवल उनको लगा कि दुबई में जो एक्सपो सेंटर है वो भी वो अटेंड कर चुके हैं और उनको वही लेवल का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा। सो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और वाकई में बहुत गर्व आपको फील होता है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, क्योंकि अगर हम दुबई में भी देखें तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वहाँ पर लोग आकर अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं और साथ में उसको एक देखा जाए तो पूरी दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, एक मार्केटिंग होती है। तो मुझे लगता है कि वाकई में जब गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साथ लेकर आती है। वो कहते हैं ना पैसा लगाने से ही पैसा बनता है, तो ये वही वाला एक चीज़ आती है। बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है इंडिया में और वक्त रहते ही उसको मैं कहूँगी कि उस लेवल तक लेके जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो 4G भी 3G की तरह आता है मर मर के। हमारे यहाँ पर तो 4G की स्पीड के तो वाकई बहुत ज़्यादा कम है, इतनी कम होनी चाहिए। 5G के ना 5G की जो है वो बातें की जा रही है, लेकिन 4G जो है वो भी इतना बेहतर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बस ये चेंजिंग आएगी कि 3G रहा होगा ऊपर, बस साइन जो है ना वो 5G का आपको शो होगा। 5G का अगर बोला तो 4G तक शायद बेहतर हो जाए, मे भी हो सकता है। अगर इतना भी हो जाता है तो भाई वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन हाँ अगर एक्सपो सेंटर की सॉरी प्रगति मैदान की अगर बात की जाए तो जो एक एरिया उन्होंने दिखाया उसे देखकर वाकई एक आपको जो है ना वाइब आती है कि भाई एक्सपो सेंटर वाली, क्योंकि काफी बड़ा खुला एरिया जो है ना आपको देखने को मिलता है। और एक्टिविटी भी जो साइकिलिंग वाली कर रहे थे मुझे बहुत अच्छी लगी कि आगे स्क्रीन लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी गार्डन में यू नो एक रोड साइड पे या ऑफ रोडिंग बोलो कि उस तरह से आप साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप इंजॉय करते हो ऐसी एक्टिविटीज को, फिर चाय पानी का भी इंतजाम है अंदर। अच्छा जैसे मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहूंगी, लाइक यार मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की, उनके चेहरे पे बहुत ग्लो होता है। हाँ ये मैंने वैसे खुद देखी है कि आज बल्कि मैंने कुछ ज्यादा क्योंकि देखा है कि उनके चेहरे पे काफी ज्यादा आपको ग्लो देखने को मिल रहा था। मोस्टली हम लोग जिन कैमरास में देखते हैं वो मतलब मीडिया हाउसेस होते हैं। आज एक हम कहेंगे ब्लॉगिंग की साइड से हम लोग मतलब सीरियसली बहुत चेहरा ग्लो करता है उनका। अब उसके पीछे शायद मेडिटेशन जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी लोगों के अंदर जो जोशो खरोश देखने को मिला और अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि नई नई चीज़ों का जो है वो आइडिया रहता है। एनीवे गाइस उम्मीद करते हैं कि हमें मज़ीद और इससे भी मैं कहूँगी इलेबोरेटिव ब्लॉग जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और बिल्कुल हम आपके साथ बैठकर भी देखेंगे। अगर आपकी नज़र से कोई ऐसा ब्लॉग गुजरा है तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें और इसी के साथ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।